सहारनपुर की शाहजहांपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है, जबकि उसका साथी पुलिस को देख फरार हो गया। पकड़ा गया बदमाश अमीर हसन यमुनानगर जिले का बताया जा रहा है और उस पर यूपी व हरियाणा के 6 थानों में 41 मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक बाइक व अवैध असला बरामद किया है। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसएसपी सहारनपुर विपिन ताड़ा ने बताया कि सरसावा थाना क्षेत्र शाहजहांपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हरियाणा की ओर से 50,000 का इनामी बदमाश अपने साथी के साथ यूपी में किसी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहा है, जिस पर पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए शाहजहांपुर हरियाणा यूपी बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चला इस बदमाश को काबू किया है। आज थाना सरसावा में सुबह पुलिस चेकिंग के दौरान दो बदमाशों ने पुलिस पार्टी के रोकने पर पुलिस पार्टी पर फायर किया। इस पर पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया और इनमें से जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है। दूसरा बदमाश जंगल में भागने में कामयाब रहा है। जो बदमाश पकड़ा गया है उसका नाम मीर हसन नेवाती है और यह यमुनानगर का रहने वाला है। इस पर जनपद से 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था और ये 4 गंभीर घटनाओं में वांछित था, जिसमें कि पेट्रोल पंप लूट व अन्य घटनाएं भी शामिल है। पूछताछ में इसने बताया कि इसकी गैंग के कई अभियुक्त पूर्व में भी जनपद पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं और फिलहाल जेल में है। इसकी भी पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी, क्योंकि ये पूरा गैंग यमुनानगर से नदी पार करके सहारनपुर जिले में कई घटनाओं को अंजाम देता है। इस घटना से जो अभी पकड़ा गया है, इससे अपराध नियंत्रण पर पुलिस को कामयाबी मिलेगी और जिस टीम ने इसको गिरफ्तार किया है उसको एसएसपी सहारनपुर की तरफ से 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पर यूपी व हरियाणा के 6 थानों में करीब 41 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। फरार बदमाश की तलाश शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।